के अपने कमेटी के पास सुझाव भेज दिया। आप लोग जा रहे हैं रोड करने के लिए, इतने में कोई मुख्यमंत्री यूं फिर मस्त नहीं लगे रहो, तुम कुछ नहीं कर रहे थे। अगर उड़ा मुख्यमंत्री नहीं आया, नहीं मतलब मीटिंग में पास हो जाए मुद्दा, मुख्यमंत्री नहीं आया तो ये बहुत बड़ा विरोध होगा। सोशल हरियाणा की टीम आज पहुंची है कैथल जिला के तितर मोड़ पर, और यहाँ पर संयुक्त मोर्चा की तरफ से तितर मोड़ जाम किया हुआ है। किस कारण जाम किया हुआ है, आइए तमाम बातें किसान नेताओं से करते हैं। प्रधान किसान कैथल जी, प्रदर्शन क्यों? आज बड़ी दुख की घटना घटी है, कल जो खजौरी बॉर्डर पर हमारा नौजवान युवा साथी जो तीन बहनों में इकलौता भाई था, अपने सभी किसान देवताओं को छोड़कर चला गया। ये जालिम सरकार ने जो सिर में गोली मारी है, ये लोकतंत्र की हत्या हुई है, हम ये बर्दाश्त नहीं करेंगे और इसको आज शोक व्यक्त कर रहे हैं। आंदोलन कामयाब क्यों नहीं हो पा रहा? देखिए, थोड़ा सांस रखिए, धीरज रखिए, वो ट्रैक्टर भी वही है, किसान भी वही है, वो बैरिकेड भी तोड़ेंगे। खट्टर मोदी से कहना चाहते हैं हम मीडिया के माध्यम से, और दिल्ली भी जाएंगे अगर जे MSP नहीं मिली तो, ये वादा है आप लोगों से। आप कब तोड़ोगे? 8 दिन हो गए वहाँ पे बैठे हुए, और आप यहाँ पे छोटा छोटा वो करके आप ग्रुप में तीन लोगों के डर बटे हुए या किसानों की बात के लिए आप किसी भी ग्रुप में नहीं बटे हम। समय को समय की जरूरत होती है, समय पर ही बैरिकेड टूटेंगे। किसानों की डेथ हो रही है बॉर्डर पे, घमासान चल रहा है, चढ़ूनी ग्रुप क्या कर रहा है, आदमी लेके आता है चौक जाम कर देता है, ट्रैक्टर मार्च निकाल दिया, पुतले फूंक दिए, अपने घर चले गए। बात खत्म। आपके सामने होगा शीशा, आज और कल रुको, वो बैरिकेड एक नहीं पाएगा वहाँ। ये चैलेंज है मोदी सरकार को, खट्टर सरकार को। पिछली बार की तरह इतना प्रभाव क्यों नहीं? ये चैलेंज कर दिया, आज एक भी बैरिकेड नहीं पाएगा। ये चैलेंज महावीर का है या ये मेरा नहीं है, सारे हरियाणा के संगठन का चैलेंज है ये। कुछ भी कह रहे, सरकार उनकी तारीफ कर रही है, वो अपना बयानबाजी फेसबुक पर। देखिए, वो तो सब चलता रहता है, आपको एक आश्वासन दिलाते हैं, खनौरी बॉर्डर पर बैरिकेड नहीं मिलेंगे बहुत जल्दी। ये बात महावीर, अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या आप किसानों के साथ खुद जाएंगे वहाँ पे या चढ़ूनी ग्रुप से अलग हो जाएंगे? एक बात है, जब कह दिया भाई जो वादा था जुबान थी दे जी, बैरिकेड नहीं पाओ एक भी अपने। आपका नेतृत्व तो नहीं कह रहा ना? मेरा नेतृत्व तो कह रहे हैं, समझ ले, मैं कह रहा हूँ, मैंने सारे नेतृत्व मेरे साथ है, हम उनके साथ हैं, सारे किसान संगठन और सारे किसान एक होकर उस बैरिकेड ने जमना में गिरका मांगे। 23 फरवरी को कैथल में CM आ रहे हैं, क्या किसान यूनियन विरोध कर सकती है? देखिए, आज और कल हमारे पंजाब के किसान इकट्ठे हुए को बड़ी कॉल देंगे, उसमें ये भी हो सकती है भाई खट्टर का विरोध करना है नहीं करना, जैसे ऊपर से सजा होगा उस हिसाब से चलेंगे। पहले जो आंदोलन हुआ था थोड़ा निचर आ गया। जोगिंदर सिंह कैदरन जिला प्रवक्ता पर अध्यक्ष अनिल चढ़ूनी जी, बताओ। आप बार बार एक सवाल करेंगे आंदोलन नहीं उठ रहा। देखिए, आंदोलन जब पहले हुआ था वो भी एकदम से नहीं उठा था, धीरे धीरे करके आंदोलन का एक तरीका होता है। हो सकता है आंदोलन के उठने से पहले सरकार मान जाए, हम इस इंतजार में भी होते हैं, कई बातें देखनी होती है। आंदोलन हमारा जोगा तो है, हमारे 4.5 लाख ट्रैक्टर थे पिछले आंदोलन में, इस बार बढ़ के 6 लाख हो चुके हैं वो ट्रैक्टर। कहाँ ध्यान में रखे सरकार, कहाँ वो हमने तैयार करके रखे हुए हैं, उसमें कोई हम बताएंगे थोड़ी किसी को? ऐसे 3 दिन में हो गया, ऐसे हम अपने माँ बाप को नहीं बताते सारी बातें, सरकार को क्या बताएं भाई? जो आज 22 और 23 तारीख को जो फैसला होगा वो सारे भारत के संदर्भ में मंजूर होगा, चाहे कोई संगठन का हो या कोई ना हो, हम उसके साथ हैं, आगे मरने के लिए भी तैयार, हम बैरिकेड नहीं छोड़ेंगे बिल्कुल भी। कल भी बहुत सारे दिल्ली जाएंगे, ये तो MSP दो नहीं, दिल्ली जरूर जाएंगे। नहीं, आपका अंदर तो कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा ना, आप ऐसे कैसे दावा कर रहे हो कि दिल्ली? दावा कर दिया मैंने सोशल मीडिया के माध्यम से, आपके माध्यम से कर दिया भाई, बैरिकेड नहीं रहेंगे और दिल्ली जाएंगे बस। 80 आदमी है, एक आदमी भी कुछ भी कर सकता है, एक आदमी भी। भगत सिंह ने देश आजाद कराया था, उसके साथ कितने थे? 9 दिन भगत सिंह तो अकेला था, हम भगत सिंह की औलाद हैं, बैरिकेड तोड़ना भी जानते हैं, बोलना भी जानते हैं और काटना भी जानते हैं। सिंह तो बॉर्डर पे है, जो वहीं जाएंगे, आज तो ये शौक वक्त कर रहे हैं, बॉर्डर में जाएंगे, गए थे 10-20 साथी कल भी गए थे बॉर्डर में जाएंगे। आप पंजाब की तरफ जा रहे हो ना? हाँ, पंजाब की तरफ नहीं, अब हरियाणा की साइड जाएंगे, अब नरवाना की साइड से चलेंगे बॉर्डर तोड़ने, ये चैलेंज है, खजौरी साइड से नहीं जाएंगे। अरे कह रहे हैं कल भी हमारे बहुत आज और कल रुको, दो दिन टाइम है, आज और कल पंजाब वाले ने रोके हमको भाई, अभी थोड़ी सुझाव ले, उसके बाद 2 दिन शांति रखो। थैंक यू।